सब्सक्राइब कीजिए आफ्ताब टेक को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आते रहे सबसे पहले। हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल आफ्ताब टेक में। तो ये वीडियो है पार्ट टू एक DSLR इफेक्ट लाने के लिए वीडियो इस फोटो में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एडिटिंग। तो आप एडिटिंग से कैसे ला सकते हो DSLR इफेक्ट। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक एप्लीकेशन गूगल कैमरा का दिखाया था, रिव्यू किया था, जिसमें आप एक क्लिक से DSLR टाइप का इफेक्ट्स ला सकते हो। पर इसमें एडिटिंग करके आप कैसे ला सकते हो और भी अच्छा, उससे भी अच्छा, इसमें मैं इस वीडियो में लाया हूँ। तो वो पिक्सआर्ट से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे हम। आगे देखते रहिए, मेरा नाम है आफ्ताब और आप देख रहे हैं आफ्ताब टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो गूगल कैमरा, तो इसका मैंने वीडियो बनाया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो पार्ट वन में जाके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक। तो जो सेकेंड पार्ट है मेरा DSLR का, तो ये है पिक्सआर्ट, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आपके पास अगर नहीं है अभी तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक फ़ोटो सिलेक्ट करना होगा, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ी देर पास करता हूँ, इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको स्क्वायर आर्ट से थोड़ा साइड से ब्लर किया था, तो इसे मैं क्रॉप कर लेता हूँ। जो मेन हमारा फोटो है उसको किया साइड पर जो ब्लर पार्ट है उसको काटेंगे। तो ओके, तो सबसे पहले आपको कटआउट करना होगा। ये मैंने वीडियो डाला है कैसे कटआउट करते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको अंदर से भी सिलेक्ट कर लो। जब पूरा हो जाए तो इधर आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। ये एरो दिख रहा है आपको इधर कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करना है। स्टिकर क्रिएट होगा, तो आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह से आ गया। तो दिख रहा है इधर ये गैप है, तो पेंट ब्रश पे इस पर क्लिक करना है। तो ये जो आप दिख रहा है, तो इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी इसे सेव कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से स्टिकर जनरेट हुआ है। इसको गैलरी में सेव करना है हमको। ओके, बैक कर लेता हूँ। सेव बैक। तो अगर आपको चाहिए तो अगर आपको यही बैकग्राउंड चाहिए तो यही बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हो, और दूसरे भी तरीके में बताऊंगा। पहले इसको कर लेंगे। तो इफेक्ट्स में जाना है आपको, और ये जो ब्लर है इस पर लेंस ब्लर चाहिए तो लेंस ब्लर, तो इस पर भी कर सकते हो आप, फुल ब्लर कर लो। तो ये इस पर ठीक। फिर आपको ऐड फोटो में जाना है, आपने किया था वो सिलेक्ट कर लो, और इधर ऐसे इसको रख सकते हो। ये एक है
ये ज़्यादा ही ब्लर हो गया है साइड से, अगर आपको कम करना है तो कम भी कर सकते हो। तो दूसरा दिखाता हूँ मैं, दूसरे वाला। तो आप कौन से भी ऐसे फ़ोटो डाउनलोड कर लो जिसमें ऐसे ब्लर इफेक्ट हो। मैंने कर रखा है, मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, रेड फोटो में चला जाता हूँ, फ़ोटो सेव किया था उसे ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो, चाहे तो आप ऐसे रख सकते हो, आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से आया है ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। पर अगर आपने ये वीडियो देखा है, अच्छा नहीं लगा है, तो भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहता हूँ। कमेंट कीजिए नीचे कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए आपको, तो मैं वो डाल दूँगा वीडियो। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन।